नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुनीत सबरवाल। आप देख रहे हैं मेरे चैनल डॉक्टर साहब। आज हम डिस्कस करेंगे TDCS के बारे में। TDCS का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन। अब देखिए, ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन क्या चीज होती है? ये आज की तारीख में लेटेस्ट न्यूरोमॉड्यूलेशन यानी कि ब्रेन स्टिमुलेशन प्रोसीजर है, जो कि यूज किया जाता है डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एडिक्शन यानी कि सब्सटेंस यूज, ओसीडी के अंदर। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ट्रांसक्रेनियल का मतलब हुआ आपकी जो सर की हड्डी है उसके थ्रू, डीसी डायरेक्ट करंट का मतलब हुआ जो बैटरी से करंट निकलता है वो, और स्टिमुलेशन का मतलब हुआ आपको स्टिमुलेट करते हैं। तो इस प्रोसीजर को हमारे ब्रेन के कुछ हिस्से जो कि प्रभावित होते हैं इन पर्टिकुलर इंडिकेशंस में, उनमें इनको हम डीसी से स्टिमुलेट करते हैं। अब ये आज की तारीख में बिल्कुल लेटेस्ट न्यूरोमॉड्यूलेशन यानी कि ब्रेन स्टिमुलेशन प्रोसीजर है। ये नेक्स्ट सवाल आता है कि हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, व्हाई टीडीसीएस। देखिए, टीडीसीएस अगर आप दवाइयों के साथ लेते हैं तो आपको एक एम्पलीफाइड रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। एम्पलीफाइड रिस्पॉन्स से मतलब, अगर आप सिर्फ दवाइयां लेंगे तो जो आपको रिस्पॉन्स 2 या 3 हफ्ते में आना है, वो अगर आप टीडीसीएस के साथ लेंगे तो आपको हो सकता है 10 दिन में वाला रिस्पॉन्स आने लग जाए। अल्टरनेटिवली, जिन पेशेंट्स को हम दवाइयां नहीं दे सकते या फिर जो पेशेंट्स दवाइयां लेना ही नहीं चाहते, उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है ये। देखिए, टीडीसीएस का प्रोसीजर क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। बहुत लोगों को ऐसा एक मिसकंसेप्शन होती है कि ये एक शॉक थेरेपी है। ऐसा नहीं है, इसमें मिर्गी के दौरे आएंगे, ऐसा नहीं है। आप जब भी आएंगे टीडीसीएस के लिए, आपको सिर्फ इतना करना रहता है कि आप अपने बाल शैंपू करके आए, आइए अपना ब्लैडर एंटी कीजिए, एक रिलैक्स्ड पोजिशन में लेट चाहिए या बैठ चाहिए, और आप वेट कीजिए, आपको मशीन लगाई जाएगी। मशीन के क्या हिस्से होते हैं मैं आपको समझा देता हूं। एक डीसी स्टिमुलेटर होता है, एक स्पंज इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और एक रेगुलेटर होता है डिपेंडिंग फॉर द इंटेंसिटी ऑफ करंट। तो डिपेंडिंग ऑन आपकी टॉलरेबिलिटी कितनी है, आपको एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी ऑफ करंट दिया जाएगा। जनरली आई प्रेफर 2 mA फॉर अ पीरियड ऑफ 40 मिनट्स। जब टीडीसीएस का सेशन खत्म हो जाएगा तो आप थोड़ी देर 5-10 मिनट रेस्ट करके घर जा सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि इस टीडीसीएस सेफ? देखिए, अब तक जितना भी रिसर्च लिटरेचर आया है टीडीसीएस के ऊपर, उसमें कभी भी बहुत सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म या फिर लाइफ थ्रेटनिंग कॉन्सिक्वेंसेस टीडीसीएस के आज तक रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट इज सो सेफ। नेक्स्ट सवाल आता है कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? देखिए, साइड इफेक्ट्स जाहिर सी बात है, अगर आप डायरेक्टली हेड को स्टिमुलेट कर रहे हैं तो हेडेक यू कैन एक्सपेक्ट। इसके अलावा आपकी स्किन में एक बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके कानों में एक रिंगिंग सेंसेशन है, और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनको नौजिया हो रहा है। लेकिन घबराइएगा नहीं, ये सारे साइड इफेक्ट्स जो होते हैं बहुत ट्रांजिएंट होते हैं, बहुत थोड़े समय के लिए रहते हैं। जैसे ही आपकी सेशंस खत्म हो जाएंगे, उसके विद इन 1 week or 10 days ये सारे साइड इफेक्ट्स खत्म हो जाते हैं। अब देखिए, टीडीसीएस किन प्रकार के पेशेंट्स में नहीं यूज कर सकते? एज सच कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन टीडीसीएस की आज तक नहीं आई है, यह आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा। लेकिन कुछ क्लास ऑफ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हम बहुत सोच समझ के टीडीसीएस देते हैं। तो जैसे अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो थोड़ा सा विद कॉशन देते हैं। अगर आपको पहले हार्ट अटैक आया हुआ है या और कोई हार्ट की प्रॉब्लम है तो हम सोच समझ के देते हैं। अगर आपकी कोई ब्रोकन स्किन है तो हम सोच समझ के देते हैं। अगर आपको पहले मिर्गी के दौरे आए हुए हैं या फिर आपके ब्रेन में कोई मेटालिक इम्प्लांट्स हैं या आपको कार्डियक पेसमेकर है, तो इन सब में भी हम विद कॉशन देते हैं। लेकिन इनकी एज सच कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी कि ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन नहीं जिसमें आप टीडीसीएस कंप्लीटली बैंड है। अब नेक्स्ट आता है जी, टीडीसीएस हम कितनी फ्रीक्वेंटली दे सकते हैं? देखिए, जितनी भी रिसर्च एविडेंस अभी हमारे पास है वो ये कहते हैं कि मिनिमम 10 सेशंस और अप टू 20 सेशंस पर कोर्स हमें लेना चाहिए। आइडियल इज बिटवीन 15-20 सेशंस, जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट 5th या 6th सेशन ऑनवर्ड्स आने लगेगा। अगर आप मेडिकेशंस बिल्कुल नहीं ले रहे हैं और अवॉइड कर रहे हैं, तो यही कोर्स आपको साल में कम से कम 2 बार लेना चाहिए, यानी कि 20 सेशंस twice a year। आपको इसका बेनिफिट कुछ लोगों को आता है 3rd-4th session में, कुछ लोगों को आता है 7th-8th session में, लेकिन ऑलमोस्ट 70-80% लोगों को TDCS से बहुत बेनिफिट होता है एंड दे फील मच मच बेटर। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू अल्टरनेटिव फॉर मेडिसिंस फॉर योर कंडीशन, यू कैन ऑलवेज कंसिडर TDCS। तो आज के लिए बस इतना ही। और ज्यादा जानकारी के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट लिखिए डॉक्टर साहब चैनल के।